प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार हो रहे मध्य प्रदेश के दौरों पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि चुनाव के ठीक पहले जनता को लालच देना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर के विरोधी मोदी की पार्टी के ही मुख्यमंत्री रोजाना रेवड़ियां बांट रहे हैं। बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। डॉक्टर गोविंद सिंह भोपाल में मीडिया से रूबरू होते हुए तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के घमंडिया वाले बयान पर भी अपनी राय रखी। मध्य प्रदेश में हुए पेशाब कांड, पोस्टर वॉर और दतिया में हुई हत्याओं पर भी अपनी बात रखी। सुनिए भोपाल में पत्रकारों से रूबरू हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को लूट डाला और उसका पैसा भाजपा के नेताओं की जेब में पहुंच चुका है। 20-20 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए उनको दे दिए जा रहे हैं प्रत्याशियों को। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करके अपना काम चला रहे हैं। समय आने पर आचार संहिता लगने के आसपास ही चुनाव की घोषणा होगा, टिकट वितरण का काम होगा। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी देश की जनता मोदी जी के कथनों को सुन सुन के परेशान हो चुकी। प्रदेश और देश का विनाश हो रहा है। लगातार कश्मीर आतंकी हमले, बड़े बड़े अधिकारी, कर्नल, मेजर जैसे वरिष्ठ लोगों की हत्या हो रही है। मोदी जी कहते थे प्रधानमंत्री बनने के पहले कि हम 56 इंच मेरा सीमा वाले प्रधानमंत्री हैं, अगर एक कोई पाकिस्तान आतंकी मारेगा तो 10 हम मार के लाएंगे। अब क्या मोदी जी तो अपने बयान पूर्व के बयान के पढ़े स्वयं, और अगर नहीं कर पाते तो पूरे देश की 140 करोड़ जनता से खेद व्यक्त करें। चुनाव के समय राजनीतिक दलों के बीच होता है कि धर्म के बीच होता है। हमारे प्रजातंत्र में संविधान में साफ लिखा है, धर्म के आधार पर वोट मांगना, राजनीति करना गैर कानूनी गैर नियमों के विरुद्ध है, और आचार संहिता के बाद इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कोई धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, कार्रवाई होती है। संत है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि आप जानते हो, प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है कौन क्या कर रहा है।